94 साल बाद कुदरत ने केरल को ऐसे जलजली के ज्वार में धकेल दिया जिसमें इंसान का वजूद खत्म सा हो गया है। बड़े से बड़ा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहा। कहते हैं कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, यकीन नहीं होता तो पलक झपकते ही पानी में समाने वाली सड़क इसकी साक्षात गवाही दे रही है। देख लीजिए। इंसान चीख रहा है लेकिन कुदरत ने जैसे सब कुछ तबाह करने की ठान ली है। तबाही के इस रास्ते में आने वाली हर चीज को लहरें लील ले रही। केरल में कुदरत के मार की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। पल भर में ही सब कुछ खत्म हो जाने वाला। पानी अपने साथ इंसानों के जिंदा रहने का हर सामान बहा ले जा रहा है। पेड़ पौधे कुछ नहीं बचने वाले हैं। बस नजर इस तस्वीर पर डालिएगा, आपके सामने नजर आ रहा मकान जल्द ही जमींदोज होने वाला है। हफ्ते भर से लोगों के पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया। जलजले में जीवन बचाना भी आसान नहीं। अभी तक 324 लोगों को आसमानी कहर ने अपना निवाला बना लिया। तकरीबन 83,000 लोगों की जिंदगी खतरे में अटकी है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सबके सामने मौत खड़ी नजर आ रही है। जहां इंसान बेबस है वहां इंसान के द्वारा बनाया गया खूबसूरत महल भला कैसे बच सकता था। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन ऐसी हालत में सेना के जवान फरिश्ता बनकर उतरे हैं। मानव चेन बनाकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा और उन तक जिंदा रहने का साजो सामान पहुंचाया जा रहा है।
केरल की तस्वीर देश को झकझोर देने वाली है। राहत के लिए बस एक अदद आसरे की तलाश भी पूरी नहीं हो पा रही। एनडीआरएफ की 39, आर्मी के 16 और नेवी की 42 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। सामने से मौत को देखकर हजारों हाथ भगवान की इबादत में जुट गए हैं।